टेक्नोलॉजी आज कहाँ काम नहीं आ रही है, चाहे वो बच्चों के लिए पढ़ाई की बात हो या फिर अब टिकट बुकिंग की ही क्यों ना बात हो। जी हाँ, टिकट बुकिंग में भी अब टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो करने लगी है और इस वक्त हम इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर अब ये जो टिकट बुकिंग का काम चल रहा है वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। दरअसल इंदौर के यात्रियों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर निकाली गई है और वो सुविधा का नाम यहाँ पर अब टोकन सिस्टम दिया गया है। दरअसल अगर आपको अब यहाँ पर कभी भी टिकट बुक करने आना है तो आप यहाँ पर आएंगे, अपने लिए एक टोकन लेंगे और वो टोकन जिस समय आपका समय दिखाएगा, आपको टोकन नंबर दिखाएगा, उस वक्त आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपकी जो टिकट है उसे बुक कर सकते हैं और उसे बुक करने के बाद सीधा यहाँ पर आकर जो है वो अपनी जो आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। दरअसल पहले क्या होता था, आप लोगों को काफ़ी देर तक यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े रहना पड़ता था, उससे क्राउड भी बढ़ता था और उसी के साथ साथ जो स्ट्रेस लेवल था लोगों के ऊपर भी वो भी बढ़ता था और आपके खुद के लिए भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। लेकिन अब अगर आपको यहाँ पर टिकट लेना है तो आप सीधे आइए, टोकन लीजिए। टोकन में आपको दिखा देगा कि अप्रॉक्सीमेटली कितने बजे बाद आपका यहाँ पर जो लाइन है उस समय आपको यहाँ पर खड़ा होना है, तो सीधे आप उस समय आइए। उस समय आपको यहाँ पर टोकन के अकॉर्डिंग आपका जो भी काउंटर नंबर है वो काउंटर आपको जाना है और काउंटर पर जाने के बाद सीधा आपको वहां पर जो टोकन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपकी टिकट जो है वो मिल जाएगी। इस मामले में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है रेलवे पीआरओ खेमराज मीना जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल आखिरकार ये जो टोकन सिस्टम शुरू किया गया है उसका काम किस तरह से चल रहा है, क्या है वो टोकन सिस्टम और किस प्रकार से लोग जो है उन्हें उसकी सुविधा मिल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या है एक्चुअली टोकन सिस्टम, एक छोटी सी अगर हम बात हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक्चुअली ये क्या काम करता है तो उस बारे में आप बताइए। देखिए, हाल में ही क्या है, इंदौर रेलवे स्टेशन पे ये जो काउंटर पे टोकन सिस्टम चालू हुआ है, तो एक्चुअली क्या है कि पूरे हमारे रतलाम मंडल में ऐसे धीरे धीरे हम लोग ये पहल कर रहे हैं। इसमें क्या, भीड़ जो होती थी वो जमा नहीं होगी, क्योंकि एक टोकन सिस्टम एक मशीन है, उसमें हम जैसे ही पैसेंजर आता है और अपना मोबाइल नंबर डाल कर एक टोकन प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में फिर जैसे ही उसका नंबर आता है और लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जैसे डिस्प्ले होता है, हमारे यहाँ पर चार काउंटर्स हैं, तो अभी फिलहाल चारों काउंटरों पे डिस्प्ले हो रहा है और नंबर डिस्प्ले होता है। जैसे ही नंबर डिस्प्ले आता है तो वो पर्टिकुलर जो आदमी है वो टिकट ले सकता है। तो ये इस फैसिलिटी से ये होगा कि जैसे अभी आपका नंबर ज़्यादा है तो आप क्यू में नहीं लगेंगे, क्योंकि आप अपना काम भी कर सकते हैं, बाहर से भी जा सकते हैं जैसे, या फिर आप आराम से सर्कुलेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, तो इसको अभी हाल में ही बढ़ावा दिया है ताकि क्यू कम हो और ईजी से जो है पैसेंजर में भीड़ भाड़ और दूसरी स्थिति नहीं हो। क्योंकि जैसे आपको टोकन, जैसे अभी फिलहाल तत्काल चल रहा है, क्योंकि 10 बजे से जो है स्लीपर के लिए तत्काल होता है, 11 बजे से उसके लिए होता है और 10 बजे से जो एसी के लिए होता है, तो एक पूरी तरह से जो, और इसके बाद में फिर जनरल काउंटर हो जाते हैं, तो ये चारों काउंटरों पर एक ये सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, तो ऑनलाइन सिस्टम तो जो है वो चलन में है ही, उसी के साथ अब ये टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। टोकन सिस्टम से काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हो गई। सर, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को समझ में आ जाता है कि अभी हमारे पास इतनी ड्यूरेशन का टाइम है, हम लोग बाहर जा सकते हैं, तो अगर किसी इंसान का टोकन नंबर जो मिस हो जाता है, कभी इनकेस किसी के पास 15 मिनट थे लेकिन वो 25 मिनट बाद लौट कर आता है, तो फिर इस स्थिति में क्या किया जाता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि लाइव चलता रहता है, क्योंकि जैसे टोकन नंबर आता है उसके पास एक लिंक होता है, लिंक में आप लाइव देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं आती, क्योंकि अगर जैसे वो नहीं आ पाता है तो वो उसको मिस माना जाएगा, क्योंकि फिर उसके लिए नया टोकन ले सकता है, क्योंकि एक सिस्टम है, क्योंकि वो वही मोबाइल से 15-20 मिनट बाद में एक नया टोकन वो ले लेगा, इसके बाद में फिर उसको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और अपना टिकट प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सर, तो एक टोकन लेने के बाद हमें कितनी देर का इंतजार करना पड़ता है इनकेस हमें दूसरा टोकन भी लेना है? तो तकरीबन एक्चुअली इसके बिटवीन जो 15-20 मिनट का टाइम होता है उसमें, क्योंकि एक ही टोकन से एक जो मोबाइल से एक ही जो टोकन मिलता है, तो मैंने जैसे बताया कि जैसे टोकन हमें जैसे प्राप्त होता है तो उस पर पूरा जो लिंक आ जाता है, तो उसमें मिस होने की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप लाइव देख सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर कब है, अगर तीन आपसे आगे हैं और आप कहीं आसपास भी हैं तो आप ईजी से आपका जो टिकट है वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि इजीली हम लोग सारी टिकट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसके रिस्पांस के बारे में बात करें सर, तो किस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है? क्योंकि अगर अभी हम देखें तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर हमें कम देख रही है, पहले काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर हुआ करती थी। हालांकि ऑनलाइन भी सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद काउंटर की लाइन भी काफ़ी लंबी हुआ करती थी। तो अभी आपको रिस्पॉन्स कैसा? देखिए, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ आसपास में खड़े हैं या तो इंक्वायरी के लिए या दूसरे इसके लिए खड़े हैं, बाकी तो जो पर्टिकुलरली पर्सन है वही काउंटर के सामने खड़ा है। और दूसरे जो काम भी होते हैं, फॉर्म भरना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और सर्कुलेटिंग एरिया में, बट वैसा क्राउड जैसे पहले एकदम बहुत बड़ी क्यू होता था, वो क्यू लेस कर दिया है इस टोकन ने। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन और एक अच्छी पहल है। बिल्कुल सर, ये क्या पूरे समय यहाँ पर जारी रहता है? कभी भी इंसान आकर टोकन ले सकता? हाँ, क्योंकि जो हमारा टाइम जो रहता है उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको मैनेज कर रखा है। सुबह 7:30 बजे से टोकन स्टार्ट हो जाता है, वैसे ऑफिशियली 8 बजे हम लोगों का रिजर्वेशन ऑफिस क्लोज हो जाता है। तो ये पूरी जो टाइम हमारा जो 9 में इसका रिजर्वेशन ऑफिस का, तो वो उस हिसाब से काम करता है। बिल्कुल, तो लोग जो है लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और अब हम भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे कि एक्चुअली ये टोकन सिस्टम पर काम कैसे किया जाता है, क्योंकि आखिरकार लोग जो यहाँ पहुँचेंगे उन्हें कैसे समझ में आएगा कि उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो ये जो बोर्ड है इसके ऊपर हमें लिखा दिख रहा है क्लिक हियर, हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या स्क्रीन आती है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर उनको नंबर्स चाहिए हमारे, जिसके तहत हम लोग बुक कर सकते हैं। तत्काल के भी ऑप्शन है, AC, स्लीपर एंड सामान्य बुकिंग का भी ऑप्शन है। फिलहाल हम सामान्य बुकिंग के लिए अगर हम बुक करते हैं तो हमें 9 नंबर डालने के बाद जब हमारे पास स्क्रीन आएगी तो वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर नेक्स्ट हमें लिखा हुआ दिख रहा है, हम सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका टोकन नंबर 1063 है, कृपया अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस पर ओके करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो सब कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन पर आएगी। हम लोग उसके ऊपर कैसे दिखेगा, कैसे समझ में आएगा और कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे पास टोकन नंबर आ गया है, तो वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि टोकन नंबर जो है वो हमें मिल चुका है। किस तरह से अब हम इसे ट्रैक कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सीधे इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन ओपन होगी ये आपकी लाइव स्क्रीन होगी। हमें दिखा रहा है स्टेशन इंदौर, डेट भी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है, और हमारा नंबर था 1061। फिलहाल अगर लेटेस्ट नंबर जो चल रहा है वो है 1047, जो हाईएस्ट नंबर है। तो अब हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो हम लोगों के पास नंबर है वो 12-15 लोगों के बाद का नंबर है। तो 12-15 लोगों को टिकट बुक करने में जितना देर लगेगा उतनी देर आप अपने कुछ काम कर सकते हैं या फिर आप कहीं जाकर बैठ सकते हैं। आपको लाइन में खड़े होकर 15-20 मिनट गुजारने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका नाम पुकारा जाएगा 2 बार, उस समय आप आएँ, अपना टिकट लें और फिर वहाँ से जाएँ। और लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे जानेंगे कि एक्चुअली ये जो टोकन सिस्टम शुरू हुआ है उससे उन लोगों को कितनी सहायता मिल रही है। भैया, अगर हम आप लोगों से बात करें, ये जो टोकन सिस्टम यहाँ पर शुरू किया है इससे कितनी सहायता आप लोगों को मिलती है? मैम, सहायता ये रहती है कि अभी यहाँ पे आके क्या है कि बहुत भीड़ हो जाती है, तो टोकन से क्या थोड़ा सा इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। टोकन नंबर से ये फ़ायदा है कि वहाँ पर भीड़ नहीं होगी। बिल्कुल, आपको फायदा होता है कि नहीं, आप लोगों को शांति मिलती है? फायदा है, मतलब फायदा है सब। बिल्कुल, आपसे जानेंगे, अभी आप टोकन ले रहे थे अंकल यहाँ पर, कितना फायदा आप लोगों को रहता है, कितनी राहत मिलती है टोकन से? बहुत फायदा है, इसलिए कि वो लाइन लगाने वाला जो और जगह पे सिस्टम देखता ना, वो बहुत वो बेकार रहता है, धक्का मुक्की होता है, कोई पीछे आता है, आगे खिड़की में घुस आता है हाथ, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया सिस्टम है। ऐसा सिस्टम मैं हर स्टेट में घुमाऊँ, लेकिन ऐसा सिस्टम मैं कहीं नहीं देखा। बिल्कुल, तो आप हर स्टेट में घूमे लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं, नहीं नहीं ऐसा सिस्टम मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ इतना धक्का मुक्की है रेलवे स्टेशन पे कि पूछो मत। अगर पहले भी जाओगे तो 4 घंटा लग जाती है आपको टिकट, तो मारा मारी हो, कोई रेलवे वाले भी सब एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो यहाँ कितनी देर लगती है? यहाँ अभी 1065 है, अभी आराम से शांति से है ना, अपन वो देख रहे हैं अपना सीरियल नंबर, अपना आराम से शांति से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, और भी लोगों से हम जानेंगे कि एक्चुअली ये जो टोकन सिस्टम शुरू हुआ है उससे उन लोगों को कितनी सहायता मिलती है। लोग तो खुश हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उन्हें काफ़ी सहायता मिलती है। आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम टोकन सिस्टम की बात करें तो कितनी सहायता आप लोगों को ये टोकन सिस्टम से मिल रही है? बहुत सहायता हो रही है, अपने को लाइन भी लगना नहीं पड़ रहा, टोकन लेने पहले लाइन भी लगते थे टोकन प्राप्त करने के लिए, उसके बाद टोकन मिलता तब जाके या टिकट कन्फर्म होती थी, तो अपने को काफ़ी सुविधा है इससे। बिल्कुल, तो आप लोगों को सुविधा मिल रही है, आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर टोकन सिस्टम शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बट अभी नंबर आने वाला है। नंबर आने वाला, तो आप पहले से इंतजार कर रहे ताकि आपको दोबारा टोकन ना लेना? हाँ, वो 2 बार हो चुका है क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी। अच्छा, तो आप क्यों टाइम पर यहाँ पर लौट कर नहीं आए?
किसी का फॉर्म बनने लग गया था। अच्छा, मतलब लोग अच्छा करने के चक्कर में खुद ही ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। तो जैसे कि हमने देखा, जाना, पीआरओ से बात की, लोगों से बात की, तो ये इंदौर में जो टोकन सिस्टम शुरू हुआ है इससे लोगों को काफ़ी राहत है, काफ़ी पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्सेज हम लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है हम सीधे आकर यहाँ से टोकन प्राप्त करके अपने टिकट ले सकते हैं, वरना पहले हमें टिकट टोकन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। एक ने बताया कि बिहार में किस तरह से हालत है और उसके अगर हम कंपेयर करें इंदौर से, तो इंदौर काफ़ी हमें सुविधा जो है वो युक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने लोगों से बात की उसमें भी पॉजिटिव वाइब्स जो है नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी हर जगह काम कर रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर कहीं और की जगह हो। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है हर जगह बढ़नी चाहिए और लोगों का काम जो है वो आसान होना चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, खबर बेबाक, IBC 24 इंदौर।